That when we are going to come up with emotional intelligence and we are going to translate our emails, the first thing is jazbaat ko am al-phaz me nahindhun pate. So therefore, email ke al- that might not be carrying the true essence of our emotions and feelings. And obviously, people would not be able to interpret them rightly. The second important thing is. के लोग जब अपने आप को एसोसिएट करते हैं किसी शख्स के साथ और उस शख्स से आने वाली ईमेल जब उनको रिसीव होगी तो ऑब्वियसली उनके जो इनर एस्पेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश जज्बाती कैफियात हैं वो इफेक्ट कर रही होंगी उस ईमेल की इंटरप्रिटेशन पर बिकॉज आप एंगेज हो जाओगे उन अल्फाज में बिकॉज आप ये ज्यादा देख रहे हो कौन कह रहा है राधा देन कि आप ये देख रहे हो कह रहा है तो ये चीजें ये एस्पेक्ट्स एक्चुअली इफेक्ट करते हैं आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ ई मेल्स को अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम ई मेल्स की बात कर रहे हैं तो पीपल इंटरप्रेट द सेम ई मेल डिफरेंटली वेन दे रिसीव इट फ्रॉम डिफरेंट पीपल अब एक ही जुमला एक ही एक्सप्रेशन अगर दो लोग यूज़ करें जिनके साथ आपका डिफरेंट ताल्लुक और मामला है तो ऑब्वियसली उसको रखेंगे कहां से रिसीव कर रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं आउट ऑफ अवर इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड मूड एन अदर इंपोर्टेंट थिंग पीपल रिलेशनशिप्स की स्ट्रेंथ को भी वो काउंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ देर इमोशंस और ऑब्वियसली अल्फाज के मायने जो वो इंटरप्रेट करेंगे वो मायने भी इस बात की अकासी होगा कि आपका रिलेशन आपका एहसास आपका मामला उस शख्स के साथ कैसा था बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप इज गोइंग टू बेसिकली आइदर री द मीनिंग और इट इज आइदर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द मीनिंग सो बी वेरी केयरफुल के अल्फाज के उलझाओं में बाजात वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड इन बिटवीन द लाइन वो क्या कहा जा रहा है क्या इजहार किया जा रहा है बिकॉज ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्जाम्पल मी टेल यू अ सेंटेंस एंड द सेंटेंस अगर आप इसके ऊपर फोकस करें एंड इट इज के गुड जॉब ऑन द करंट ड्राफ्ट बट आई थिंक वी मे कंटिन्यू टू इंप्रूव इट सपोजिडली एक्सप्रेशन वो कोट हो रहा है अब ये एक्सप्रेशन या ये जुमला आपको आपके बॉस ने कहा या ये जुमला आपको आपके कोलीग ने कहा कि यू नीड टू तो हैव हाँ सर्टेन इंप्रूवमेंट इन इट इस केस में इस जुमले की शिद्दत वो फर्क हो जाएगी बिकॉज केस अगर ये बॉस आपको कह रहा है इट माइट बी साउंडिंग लाइक अ क्रिटिसिज्म और यही जुमला अगर आपका कोलीग आपको कह रहा है तो इट माइट बी सपोर्टिव डायलॉग सो रिमेंबर क्या कहा जा रहा है और कौन कह रहा है ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं ये जानने के लिए कि उस बात से हम अपना मतलब वो क्या अखज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि हमारे ताल्लुक और मामलात हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि हम लोगों के कहे हुए अल्फाज के मायने वो क्या बनाते हैं देयरफॉर रिमेंबर वन थिंग आपको नंबर वन तो कोई मेरिट रखना होगा यह जानने के लिए कि व्हाट द अदर पर्सन हैज सेड एंड व्हाट यू हैव परसीव्ड एंड सेकेंडली यू हैव टू गेट योर सेल्फ एक्सपर्ट ऑफ इमोशनल कंट्रोल बिकॉज उसके बगैर आपके इमोशंस हो सकता है कि अल्फाज के, के इजहार के वो मायने आपके सामने पेश कर दें जो कि शायद काबले कबूल ना हो थैंक यू